आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे आप सभी के बीच उपस्थित होकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। खासकर यहाँ आए हुए बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये पुरस्कार समारोह यंग अचीवर्स की अद्भुत क्षमता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का अवसर है। ये बच्चों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का अवसर भी है। मैं सभी पुरस्कार विजेता बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता 18 राज्यों से आते हैं। आज के पुरस्कार विजेताओं में सबसे कम उम्र की पुरस्कार विजेता मास्टर अरमान उभरानी है। उन्हें वंडर बॉय ऑफ छत्तीसगढ़ और गूगल मैथ्स बॉय कहा जाता है। अनुष्का भी है जो 4 साल की कम उम्र से ही कहानियां सुनाने में कुशल है। ये छोटी सी प्रतिभाशाली बच्ची अपनी कथाओं से हमारे जीवन मूल्यों को लोगों तक पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर के इश्फाक हमीद रुबाब बजाने जैसे दुर्लभ हो रही कला को बढ़ावा दे रही है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज पुरस्कृत सभी बालक बालिकाएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं आप सभी बच्चों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे खुशी है कि इस वर्ष के पुरस्कारों में जहाँ ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स जैसे श्रेणियों है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को भी अब स्थान दिया गया है। पुरस्कारों की कैटेगरीज को समय की मांग के अनुसार अपडेट करने के लिए मैं महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे बालक बालिकाएं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनमें अपनी लगन और मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाने की असीम क्षमता है। उन्हें सही दिशा दिखाना हमारे कर्तव्य है ताकि वे अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उचित उपयोग कर सके। जब उनका ध्यान अच्छे कार्यों में लगेगा तो वे अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे। ये भविष्य के राष्ट्र निर्माता भी बनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड इट इज द मोर पावर इज ब्रॉट टू बियर ऑन वन पॉइंट। आज भारत के पास युवाओं की बड़ी संख्या के रूप में एक अमूल्य संसाधन है। ये संसाधन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमें अपने युवाओं को टेक्नोलॉजी के उपयोग में सक्षम बनाना है। उन्हें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित करना होगा तथा ये इस तेजी से बदलने युग में अपने समुचित स्थान बना पाएंगे। सरकार द्वारा बच्चों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन समाज के सभी सदस्यों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को सही राह दिखाए। प्यारे बच्चों, आज हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारत निकट भविष्य में ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। हमारी सरकार न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और एआई के प्राथमिकता दे रही है ताकि हमारे युवा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रह सके। आजकल के बच्चे टेक से भी होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी शिक्षा और अपने विकास के लिए कर सकते हैं, लेकिन अक्सर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी होता है। डीप फेक, फाइनेंशियल फ्रॉड, बच्चों का शोषण जैसे अनेक अपराध टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है। सोशल मीडिया जहाँ एक और अपनी
बात रखने किसी मुद्दे पर लोगों में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम है, वही दूसरी ओर अफवाह फैलाने में भी इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए आपको सचेत रहना है और गलत कामों से दूर रहना है, क्योंकि एक गलत कदम आपके भविष्य को खतरे में डाल सकता है। मोबाइल, लैपटॉप और टेलीविजन जैसे साधनों में बहुत अधिक समय लगाने से आज की पीढ़ी की फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है। इससे कई ऐसी बीमारियां जो बच्चों और युवाओं में बहुत कम होती थी आज बढ़ रही है। इसीलिए मैं युवाओं से ये अपील किया करती हूँ कि आप कम से कम एक खेल जरूर सीखें और उसमें भाग लें। आप खेल को करियर रूप के रूप में भले ही ना अपनाएं, लेकिन खेल कूद आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। इससे आप में टीम भावना विकसित होती है और आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव ने पूरे विश्व को चिंतित कर रखा है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन, सोलार एनर्जी, बायोफ्यूल जैसे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देकर क्लीन और ग्रीन विश्व के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार लाइफ को बढ़ावा देने में के लिए वो प्रतिबद्ध है, लेकिन इन प्रयासों में सबका साथ आवश्यक है। मेरा मानना है कि बचपन की अच्छी आदतें जीवन भर साथ रहती है। इसीलिए आप सबको मेरी सलाह है कि आप अभी से ही ऐसे जीवन शैली अपनाएं जो पर्यावरण अनुकूल हो, जिससे धरती माता पर कम से कम दबाव पड़े। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा। देवियों और स्वजन, बच्चे और युवा हमारे देश के स्वर्णिम भविष्य के कर्णधार है। उन्हें आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। आप सब जानते हैं कि आज प्रभु श्री राम की मूर्ति की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन में ये प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करने का मुझे मौका मिला, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती हूँ। धीरज रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, सबको साथ लेकर चलना, संकट के समय साहस से काम लेना, मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना और सबकी भलाई के लिए काम करना, ये सब भगवान राम के आदर्श है। उसी रास्ते पे चलना ये भारतीय संस्कृति का परंपरा है। मुझे लगता है बच्चे भगवान राम का आज के दिन उनको पुरस्कार मिल रहा है, वो तो बहुत अच्छे अच्छे हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है भगवान राम का ये आदर्श को प्रतिपालन करेंगे और अपने रास्ते अपने भविष्य के रास्ते के सुगम करेंगे। इस अवसर पर हमें भगवान राम के ऐसे आदर्शों और रामायण में वर्णित जीवन मूल्यों को अपने जीवन में ढालने का संकल्प लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, वर्ष 2047 में जब देशवासी आज़ादी की शताब्दी का उत्सव मनाएंगे, तब आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा सोशल सर्विस करेंगे, कोई इनोवेटर, बड़े वाला इनोवेटर, कोई साइंटिस्ट होंगे। वर्ष 2047 का भारत ना केवल आर्थिक रूप से विकसित होगी, बल्कि अपने आदर्शों से भी दुनिया को राह दिखाए, ये आप सबका प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है आज केवल भारत की नहीं, आप केवल भारत की नहीं पूरा दुनिया को राह दिखाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। आपके कार्य से भारत की तरक्की में तेजी आए
यही मंगल कामना करती हूँ। मैं आप सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।